कंगना रनौत के पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि निजी सुरक्षा कर्मी पर एक ब्यूटिशियन के साथ रेप करने का इल्जाम लगा है। दोनों हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसे झांसा देकर उसके साथ ब्यूटिशियन के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। मुंबई में एक एफआईआर फाइल की है पुलिस ने कुमार हेगड़े के खिलाफ, और वो फरार चल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो ब्यूटिशियन जिसके साथ बलात्कार का आरोप है, उनकी जो दोस्त हैं दिव्या कोटियान, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ब्यूटिशियन की दोस्त। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और क्या कुछ उन्हें जानकारी है। दिव्या, मैं जानना चाहूँगा, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे पिछले एक साल से, ये जो बलात्कार का आरोप लगा है इसके बारे में और क्या आपको जानकारी है? आप बहुत खास दोस्त हैं उनकी, ब्यूटिशियन की, आप क्या बता सकती हैं इस बारे में? जी सर, जैसा मुझे उसका फ़ोन आया, मुझे कहने लगी कि ऐसे ऐसा मुझे पता चला है कि वो गाँव गया है झूठ बोल के कि मेरी माँ मर गई है, बट वो गया है शादी के लिए, 5 जून को कुछ उसकी शादी है। तो शी वो वो फ़ोन पर रोने वोने लग गई और सुसाइड की बात करने लग गई। तो मैं ऐसी हो गई कि मैं बोला अभी जाके एक बार मिल लेती हूँ, देख लेती क्या है। तो मैं जब गई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीमार थी वो, डिप्रेशन में थी, और है ना लिटरली वो सुसाइड करने वाला सीन, उसका दिमाग में वही चल रहा था मैं अभी अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो मैंने उसको वही बोला, देख खुद को नुकसान करके कुछ मतलब नहीं है, जिसने तेरे साथ में गलत किया है, झूठे वादे किए, शादी के वादे करके तेरे साथ में ये सब किया है ना, तो उसके साथ में ये उसके तो साथ आपने में ही ब्यूटिशियन फ्रेंड को कहा था कि पुलिस में मामला दर्ज करना चाहिए, आपने ही गाइड किया और आप ही पुलिस तक गए? जी मैंने उसको गाइड किया, मैंने देख खुद को नुकसान पहुंचा के खुद की जान लेके मतलब नहीं है, जिसने तेरे साथ गलत किया उसकी बात लगा, उसको क्यों छोड़ना है, वो तू मर जाएगी तो वो और 10 के साथ करेगा, उसके पास तो अच्छा खासा टैग तो है ही, वो अच्छी जगह काम करता है, वो अच्छा कमाता है, वो तो और करेगा। तो एक काम कर, मैंने उसको वही बोला कि जाके एफआईआर लिखा उसके नाम का और उसको पूरी तरह एक्सपोज कर, तब जाके उसको अक्कल आएगी और ठिकाने पे आएगा। तो तब जाके उसने सुसाइडल थॉट से वो गुजर रही थी, इतना ज्यादा परेशान हालत, अभी भी उसकी हालत वैसी है, अभी भी उसकी हालत, वो बाहर नहीं निकली, अभी भी उसकी हालत वैसी है। कुछ कोशिश की उन्होंने, ऐसा कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? या जब से मुझे इसका फोन आया है मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ा, एज यू नो दैट वो अकेली रहती है, मैं उसके साथ ही रह रही हूँ अभी फिलहाल। ये बताइए, क्या कुमार हेगड़े ने शादी का वादा करने के बाद साथ में रहना शुरू किया था और वो ब्यूटिशियन फ्रेंड ने तभी अलाउ किया था साथ में रहना जब शादी के लिए उन्होंने वादा किया था, एक साल पहले किया था ये वादा? हाँ, ये 8-9 साल से ना ये लोग की फ्रेंडशिप थी, ये इसका कहना ऐसा है ये ब्यूटिशियन का कि मैं पहले अमीषा पटेल के पास थी, तो वहाँ पे वो डाइट फूड बनाती, तो वहाँ पे ये उसका बॉडीगार्ड था पहले अमीषा पटेल का, तो वहाँ पे इसकी पहचान हो गई थी। तो उसके बाद में फ्रेंडशिप हो जाती है ना, एक स्टाफ होते तो उस टाइम से जो 8-9 साल से जो पहचान है, तो एज अ फ्रेंड थे। फिर एक साल से ये लोग जब लिविंग रिलेशन एक साल पहले उसने उसको प्रपोज किया, फिर रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में आने के बाद में उस बंदे ने कहा कि तुम अकेले रहती हो, हम दोनों सेम इंडस्ट्री के हैं, तो एक काम करते हैं, हम वैसे भी शादी करने वाले हैं तो हम साथ में रहते हैं। तो इसने भी सोचा हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रपोज भी एक साल पहले ही किया था या उसके पहले प्रपोज कर चुके? नहीं, एक साल पहले ही उसने उसको प्रपोज किया था और फिर उसके बाद में शादीवादी की सब उसने प्रोमिसेस किए कि शादी। ब्यूटिशियन फ्रेंड का है? ब्यूटिशियन का है, वो अकेली रहती है। तो इस बंदे ने फिर उसको यही बोला कि हम साथ में रहते हैं। अच्छा। और साथ में भी रह रहा था तो फ्री में रह रहा था। इससे मैंने पूछा था, वो कुछ तेरे रेंट पे शेयर करता था, लाइट बिल शेयर करता था, कुछ करता था? बोलती उसने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, फ्री में रहता था और फ्री में खाता था पीता था। कभी उसने सामने से भी नहीं बोला कि मैं कुछ लाइट बिल भरूं, मैं कुछ सामने से राशन भरूं, कुछ नहीं। इवन अभी जब वो झूठ बोल के गया 27 अप्रैल को कि मेरी माँ मर, झूठ बोल के गया, हाँ यही बोल के गया कि है ना मेरी माँ मर गई है, मुझे अर्जेंट गाँव जाना पड़ रहा है, और उस टाइम पे उस बंदे ने उससे 1 लाख रुपए मांगे थे कि मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तुम कहीं से ब्याज पे दिला सकती हो क्या? तो इसने बोला कि अभी मैं इतनी अर्जेंट में मैं कैसे दिलाऊं, क्योंकि वो 1-2 घंटे में निकलने ही वाला था गांव के लिए, और उसने कुछ 6:30 बजे सुबह फ़ोन किया था, रो धो के फ़ोन किया था। तो इसने क्या किया, इसके घर पे ना पिगी बैंक था,
तो पिगी बैंक में कुछ 60-65,000 तक इसने जमा किया था पिगी बैंक में, कुछ इसके पर्सनल, इसको आगे कोर्स करना था ब्यूटिशियन का उसके लिए। तो उस बंदी ने वो गुल्लक तोड़ के, बोलते ना पिगी बैंक तोड़ के, उसमें से ना 50,000 कैश इसको दिया और बाकी मर गई ये बोल के गया वो यहाँ सर, इसलिए पैसे मांगे। यस, बोला कि माँ मर गई मेरे को अर्जेंट, और लॉकडाउन भी हो गया है तो मुझे पर्सनल गाड़ी करके जाना पड़ेगा तो खर्चा उतना हो गई। तो उस वो बहाना से उसने 1,00,000 मांगे थे, बट इसके 1,00,000 अरेंज नहीं कर पाए, इसने 50,000 दिए। और वो बोल रहा था कि एक काम करो किसी से ब्याज से लेके दो ना, अच्छा हुआ इसने ब्याज पे नहीं लेके दिया, नहीं तो ये पूरा पैसा खा जाता उसका। तो ये बताइए कि आपकी जो ब्यूटिशियन फ्रेंड है जिसके साथ बलात्कार का आरोप लगा है कृष्णा हेगड़े पर, उन्होंने और किस तरह से क्या क्या, किस तरह से मानसिक तौर पर भी परेशान किया, या और क्या बताया आपके फ्रेंड ने, क्या कुछ करता था वो और किस तरह से वो मानसिक रूप से और परेशान हुई? ये बारे में मैं खुल के डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट मैं ये कहूंगी कि वो बंदा नशा करके उसके साथ जो संबंध बनाता था वो बहुत जानवरों की तरह करता था उसके साथ में। मतलब एक प्यार करने वाला एक रिलेशनशिप बनाता है तो उसका एक अलग तरीका होता है, इसका तरीका ही जानवरों जैसा था, लाइक मार के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को खुल के नहीं बोलना अच्छा लगा। वाइल्ड तरीके से जानवर की तरीके से अननेचुरल सेक्स भी बोल सकते हैं, दिस इज अननेचुरल सेक्स, जो एफआईआर में सेक्शंस लगे हैं 377। अच्छा, ये एफआईआर में ये सेक्शन भी लगाया गया कि अननेचुरल सेक्स तरीके से सेक्स करता था, 377 का लगाया हुआ है। ये आपकी दोस्त ने आपको बताया? जी, मैं साथ में ही थी ना एफआईआर के टाइम पे, तो मैंने सारे, मतलब मैंने वो जब मैटर पूरा बता रही थी तो उस हिसाब से ऑफिसर्स अपने सेक्शंस लगाए जा रहे थे, एफआईआर कॉपी भी है मेरे पास। और कृष्णा हेगड़े के बिहेवियर को लेकर और क्या कुछ, सॉरी कुमार हेगड़े के बिहेवियर को लेकर और क्या क्या कुछ बताया आपकी दोस्त ने, कुछ और बताएंगी क्या, कैसा बर्ताव था क्या? वही उसने यही कहा कि अभी जैसे ही वो गाँव में गया तो उसके बाद में उसने दोनों नंबर अपने बंद कर दिए, मतलब गांव में पहुंचने के बाद बात किया, तीन चार दिन बात करने के बाद इसने स्विच ऑफ किया तो फ़ोन ऑन ही नहीं किया। तो उसने पूछा, मतलब इधर उधर फ़ोन करने लगे उसके दोस्तों को, तो लोग को फ़ोन करके उस बंदे ने ये बोला है कि उसको बोलना कि मैंने अपने भाई का मर्डर कर दिया है और मैं जेल में हूँ और मैं 1 साल बाद छूटूंगा, इसलिए मेरा फ़ोन बंद है और पुलिस ने ले लिया है। किसने फ़ोन किया था? ये जो ब्यूटिशियन है ना, उसने उसके तो ये लोग के बीच में एक कॉमन फ्रेंड है, अच्छा। उसको फोन किया था तो उसने ऐसे बताया, उसने ऐसे बोलने के लिए कहा था कि मैं मर्डर कर दिया, जेल में हूँ। यस, कुमार हेगड़े ने कहा कि तू ऐसे बोलना कि मैंने मेरे भाई का मर्डर कर दिया है और मैं जेल में हूँ, मैं 1 साल बाद छूटूंगा। तो उसको लगा शादी करके आऊंगा, सब नॉर्मल हो जाएगा और 1 साल में ये मुझे भूल जाएगी, बट इसको नहीं पता था कि इसका सच सामने आ जाएगा। शादी की बात कैसे पता चली आपकी दोस्त को? कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही पता चली। उस बंदे ने इसकी हालत देखी ना, तो उसने खुद बोला कि यार तुम मत वो सब चक्कर में पड़, उसका ऐसा ऐसा सीन है, बट मेरा नाम आने मत देना। कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वो शादी करने गया है, माँ की मौत की वजह से नहीं गया है, झूठ बोला है उसने। जी जी। तो ये बताइए, एफआईआर करने से पहले आप लोगों ने कृष्णा कुमार हेगड़े को कॉल करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि हमें पता चल गया है कि शादी करने जा रहा है, क्या क्या बात हुई फिर? काफ़ी बार उसको कॉल किया गया, काफ़ी मैसेज किया, इसने मैसेज भी किया, ये भी बोला कि मुझे जो भी है सच सच बता दो, मेरे सामने कन्फेस करो, मैं माफ़ कर दूंगी, ये वो बहुत मैसेज किया इसने। उसके जो नए नंबर उसने लिए है ना वहाँ पे, यहाँ के बॉम्बे के दोनों नंबर ऑफ करके बैठा हुआ है और नया नंबर लिया उसने वहाँ पे, तो इसने मैसेज किया, उसमें सब कुछ बोला इसने कि देख मुझे बता दे, मेरे को सब पता चल गया, और वो फ़ोन आंसर करने के लिए रेडी नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो उसका ना रिप्लाई आया ना कॉल आया। इस बंदी ने 1 हफ्ता वेट किया कि आज कॉल करेगा, आज बात करेगा। उसने उसके फ्रेंड के थ्रू भी मैसेज पहुंचाया कि उसको बोल मुझे कॉल करके बात करने के लिए। उसके फ्रेंड ने भी वो बताया वहाँ पे कि देख वो वेट कर रही है, तो कॉल करके एक बार उसको सच सच बता दे, वो नॉर्मल हो जाएगी, वो क्यों किसी को तो परेशान कर रहा है। और उसके जैसे और तूने कितने लोगों को बोल के रखा है ना तेरी मैं शादी करूँगा, और उसने सिर्फ इसी के साथ नहीं किया, इसने काफ़ी लड़कियों के साथ किया है। किस तरह से कुछ बताएंगे इसके बारे में और डिटेल आपके पास है कि इसको जब पता चला ना शादी के बारे में, तो इसने ना कुछ नाम इसके दिमाग में थे, कुछ मोबाइल उसके मोबाइल में उसने चैट्स वैट्स देखे थे, तो उन लड़कियों को इसने कांटेक्ट किया। जब इससे उस कुमार हेगड़े से पूछा था ना, तो उसने कहा था कि मेरे फ्रेंड्स हैं। बाद में जब इस लड़की को ये शादी वादी का ये सब धोखाधड़ी का पता चला, तो ये लड़की ने डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट किया, उन लड़कियों को,
तो लड़कियों को पूछा तो उसने लड़कियों ने वही कहा कि मेरे साथ भी उसने ऐसी हरकत की, इवन मेरे से तो 2 लाख रुपए तक लिए, उन लड़कियों से भी 2 लाख रुपए तक लिए। तो वो लोग ने बोला कि मैं हम लोग नहीं आ सकते क्योंकि एक कुछ मैरिड थे, कुछ की शादी होने वाली है और कुछ का नामी होगी, स्टिग्मा लगेगा। इस चक्कर में वो लोग आगे नहीं आ रहे और कुछ नहीं ऐसा। आप लोग चाह रहे हैं कि वो लड़कियां भी सामने आए और वो भी कंप्लेंट? हम लोग तो चाहते हैं जितने हैं सब आओ सामने, जितने हैं सब सामने और एक्सपोज करो इसको। ये कहीं पे बोलते हैं ना इंडस्ट्री में क्या इसको कहीं पे जॉब नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये सेक्स मैनिक है। ये बंदा है ना दिमागी तौर पे बीमार है, इसको लड़की भी चलती है लड़का भी चलता है। जैसे जब मैंने इससे बात की थी इस ब्यूटिशियन बंदी से, तो इसने मुझे मुझसे ये डिस्कस किया था, इसने मुझे कहा था कि इसने मुझे एक बार ये चीज़ कहा था कि मेरा एक है ना लड़के के साथ में अफेयर था, 6 महीना अफेयर था, 6 मंथ मेरा एक लड़के के साथ अफेयर था। अच्छा। और हाँ, और अभी जो उसने अपनी जिसके साथ लिव इन पार्टनर है ब्यूटिशियन, हाँ, उसको बताया था, उसको ऐसे बताया था, बट उसने मजाक में लिया, उसने मतलब उसने सोचा कि मस्ती कर रहा है, उसने ये छोड़ दिया। बट उसके बाद में उसने और एक चीज़ कहा कि अभी बीच में ये लोग जोधपुर गए थे कुछ, हाँ, वो धाकड़ मूवी की शूट के लिए मेरे ख्याल से जोधपुर या जयपुर, उन्होंने की फिल्म धाकड़, हाँ, जयपुर या जोधपुर गए थे बोलते। तो वहाँ पे भी मैंने ना एक मेल के साथ में वहाँ पे किस वेस किया ये सब किया। तो ये उसने खुद अपनी लिव इन पार्टनर को बताया, उसने मुँह से कहा। अच्छा 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 अच्छा, तो इसने मजाक में लिया और वो चीज को लाइक ये किया। उसके बाद से आप लोगों की बात नहीं हो पाई है, कुमार हेगड़े से संपर्क नहीं हो पाया, उसका भी कॉल नहीं आया। उसका मोबाइल जब बंद हुआ है ना 27th को वो गांव गया, उसके बाद में कुछ 1 तारीख को उसने मोबाइल जो बंद किया उसके बाद वो नहीं कॉल पे आया ही नहीं, ना ही उसका कोई मैसेज का रिप्लाई आया। मैसेज और कॉल बहुत गए हैं इसके साइड से, जबकि उसने वहाँ से उसकी उसके को उसका कोई एक फ्रेंड था उससे कॉल करवा के यहाँ पे ना इसको धमकी वमकी दिला रहा है, बोलता है CBI को लेके आओ, तुम लोग गांव में आओ मैं बताता हूँ, ये करता हूँ, उधर से वो धमकी दे रहा है अपने दोस्त से कॉल करवा के, मतलब वहाँ के लोगों को इसका नंबर बांट रहा है। चलिए, ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए देविया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।